कुंडलिनी और धारणा। ऊर्जा की ऊंची अवस्थाएं धारणा की ऊंची अवस्थाएं भी हैं। संपूर्ण योग प्रणाली का उद्देश्य केवल आपकी धारणा को बढ़ाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मूलतः मतलब बस इतना ही है, अपनी धारणा को बढ़ाना, क्योंकि आप केवल वही जानते हैं जो आप समझते हैं। शिव और सांप के प्रतीकवाद का यही कारण है। यह दर्शाता है कि उनकी ऊर्जा चरम पर पहुंच गई है। उनकी ऊर्जाएं उनके सिर के शीर्ष तक पहुंच गई हैं, और इसलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। कुंडलिनी और तीसरी आंख। तीसरी आंख का मतलब यह नहीं है कि किसी का माथा फट गया और कुछ निकल आया। इसका सीधा सा मतलब है कि धारणा का एक और आयाम खुल गया है। दोनों आंखें केवल वही देख सकती हैं जो भौतिक है। अगर मैं उन्हें बस अपने हाथ से ढक दूं, तो वे उससे आगे नहीं देख सकते। वे कितने सीमित हैं। यदि तीसरी आंख खुल गई है, तो इसका मतलब है कि धारणा का एक और आयाम जो अंदर की ओर देखता है, जो जीवन को पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है, खुल गया है, और जो कुछ भी देखा जा सकता है उसे देखा जा सकता है। कुंडलिनी योग, पहले तैयारी। आजकल बहुत सारी किताबें और योग स्टूडियो कुंडलिनी योग और इसके लाभों के बारे में बात करते हैं, हालांकि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि कुंडलिनी शब्द का उच्चारण करने में भी हम हमेशा श्रद्धा का भाव लाते हैं और फिर शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि यह बहुत विशाल है। यदि आपको कुंडलिनी को सक्रिय करना है, तो आपके शरीर, मन और भावना में आवश्यक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऊर्जा को ऐसे सिस्टम में पंप करते हैं जो उस तरह के वोल्टेज या वॉल्यूम के लिए तैयार नहीं है, तो चीजें विलीन हो जाएंगी। बहुत से लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक क्षमता खो दी है, क्योंकि उन्होंने आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता के बिना कुंडलिनी योग करने की कोशिश की। यदि आवश्यक सहायक वातावरण नहीं है, तो केवल कुंडलिनी बढ़ाने का प्रयास करना बहुत गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक हो सकता है। कुंडलिनी योग खतरनाक क्यों है? कुंडलिनी योग अपने सार में योग का सबसे खतरनाक रूप है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ताकतवर भी है। यदि अनुचित तरीके से संभाला जाए, तो जो सबसे शक्तिशाली होता है वह हमेशा सबसे खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए, बिजली का उत्पादन विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। ऐसा करने का एक तरीका परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से है। यह ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है ना? जब चीजें सही चल रही हों, तो यह ग्रह पर ऊर्जा पैदा करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो वे इस तरह से गंभीर रूप से गलत हो जाती हैं कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह कुंडलिनी योग के साथ यह सबसे शक्तिशाली है और यह सबसे खतरनाक है। आवश्यक तैयारी के बिना, निरंतर विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अवलोकन के बिना, किसी को भी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं और हर कोई उच्चतम योग करना चाहता है। कोई भी ए से शुरू नहीं करना चाहता, हर कोई वर्णमाला जेड से शुरू करना चाहता है। ये रवैया ही खतरनाक है। यदि आवश्यक सहायक वातावरण नहीं है, तो केवल कुंडलिनी बढ़ाने का प्रयास करना बहुत गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक हो सकता है। शास्त्रीय योग परंपराओं में एक निश्चित प्रकार का योग है जिसे हम उन लोगों के लिए सिखाते हैं जो पारिवारिक परिस्थितियों में रहते हैं। एक अन्य प्रकार का योग है जिसे हम तपस्वियों के लिए सिखाते हैं। हम पारिवारिक परिस्थितियों में उन्हें कभी भी तपस्वी रूप नहीं सिखाते। ऐसा करने का यह सबसे प्रभावशाली तरीका है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और फोकस के एक निश्चित आयाम की आवश्यकता होगी, जिसकी अनुमति आपका नियमित जीवन नहीं देगा। यदि आप उस प्रकार का योग करते हैं, तो यह आपके बाहरी जीवन को तुरंत नष्ट कर देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कुंडलिनी योग में कुछ गड़बड़ है। यह एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा का अपना कोई विवेक नहीं है। आप इससे अपना जीवन बना सकते हैं या आप इससे अपना जीवन खत्म कर सकते हैं। बिजली हमारा जीवन बना रही है, लेकिन अगर आप इसमें अपनी छोटी उंगली डाल दें, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। ऊर्जा के पास कोई विवेक नहीं है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह वैसा ही है। कुंडलिनी भी ऐसी ही है। आप अभी इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम तरीके से।
यदि आप इसे अधिकतम करते हैं तो आप अपने अस्तित्व की सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।